न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरत 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज़ में आपका खैर। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ रिमार्क्स पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस। इलेक्शन कमीशनर ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क पर वजाहत तलब की है। चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर विकास राज, जनरल सेक्रेटरी BRS M श्रीनिवास रेड्डी की शिकायत पर नोटिस जारी की। नोटिस में कहा गया है कि BRS जनरल सेक्रेटरी ने शिकायत की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ शख्सी और इंतहाई अहानत आमेज रिमार्क्स किए हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में स्टार कैंपेनर्स है। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की एक कॉपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर जी निरंजन के हवाले की और अंदरून 48 घंटे जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि मुकर्ररा मुद्दत में जवाब दाखिल न करने पर इलेक्शन कमीशन जरूरी कार्रवाई करेगा। जी निरंजन रेड्डी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर नशीन हैं। चीफ मिनिस्टर की जानिब से उन्हें जवाब दाखिल करना होगा। नाज़रीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा।